दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि MIUI 10 बीटा 9.2.28 के अंदर क्या क्या न्यू फीचर्स आए हैं, क्या बग फिक्स हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा फ़ोन अभी है Redmi 4, तो दोस्तों मेरे फ़ोन में अभी जो अपडेट आ चुकी है, जैसे कुछ डिवाइस है Redmi Note 5 Pro, Poco F1, Redmi Note 4, Redmi Note 5, तो डिवाइस के अंदर जो है जी अपडेट नहीं आई है, जो जिसका देख सकते वर्जन है 9.2.28, जो कि हर फ्राइडे को अपडेट आती है। तो मेरे Redmi 4 के अंदर जो अपडेट जो है मुझे मिल चुका है इस अपडेट का। ठीक है, तो दोस्तों क्या क्या चीज़ चेंज की गई है, सबसे पहले हम बताते हैं। सिक्योरिटी पैच एक बार दोस्तों देख लेते हैं, देख लीजिए आप सिक्योरिटी पैच, भाई आपको पुराना जो है देखने को मिल जाता है, इसमें कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों मुझे कोई भी फीचर नहीं लगा, कोई भी इसमें न्यू फीचर्स पहली बात मैं आपको बता दूँ नहीं आया है। ठीक है, ओनली एक बग जो है फिक्स किया गया है, मैं आपको व्हाट्स न्यू के अंदर जाके जो है एक बार जो है चेक करा देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं, मैं जाता हूँ व्हाट्स न्यू के अंदर, और व्हाट्स न्यू के अंदर जाने के बाद आप जो फीचर यहाँ पर देख सकते हैं, फिक्स नोटिफिकेशन। ठीक है, जो कि व्हाट्सएप आइकन पर जो है, यहाँ पर आप जैसे कि देखिए, यदि व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता था तो दोस्तों इसके ऊपर जो है नंबरिंग लिखी आ जाती थी कि कितने जो है मैसेज अभी आए हुए हैं, 1 आया 2 आया, तो दोस्तों उसे ही यहाँ पर फिक्स किया गया है। पहले दोस्तों नहीं पता चलता था कि क्या क्या मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, तो यहाँ से जो है अब जो है शो करने लगा है कि कितने मैसेज यहाँ पर जो है शो करे हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही बग जो है फिक्स किया गया है, और इसके अंदर कोई भी जो है न्यू चीज़ जो है इसके अंदर अपडेट के अंदर नहीं आई है, ना ही फेस अनलॉक आया है, और ना ही इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिला है। ठीक है, और बैटरी इशू मैं आपको बता दूं तो दोस्तों बैटरी आपको वही जो है सेम देखने को मिल जाएगी, यानी इसके अंदर जो बैटरी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। बैटरी दोस्तों जैसी MIUI 10 में है वैसी जो यहाँ पर चलने वाली है, इसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं की गई है बैटरी में। ठीक है, इस अपडेट के अंदर कोई भी न्यू फीचर नहीं है, एक जो बग फिक्स हुआ है मैंने आपको बता दिया है कौन सा बग है। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।